एक आज वरुण मैं रेसिंग चैनल तो गाइस बहुत ज़्यादा अपडेटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ ईयर जाने के बाद से कोडी रोड से रसलमेनिया से और इवन गाइस रैंडी ओर्टन का टीज से भी, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस वो जुड़ी हुई है रॉ से। तो गाइस आपने देखा होगा ड्रू मैकइंटायर ने हील टर्न कर लिया, जजमेंट डे ज्वाइन कर ली है उन्होंने एंड गाइस एंड में क्लेम और मारी एंड टाइटल भी लॉस करवा दिए। तो गाइज यहाँ से ये स्टोरी बिल्ड हो चुकी है कि ड्रू मैकइंटायर का ओल्ड लुक वापस आ चुका है एंड भाई वो फेस थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, अब देखो हील टर्न में अगर वो जजमेंट डे के भाई लीडर बन जाते हैं तो भाई खतरनाक फैक्शन बनेंगी एंड भाई नेक्स्ट लेवल ब्रूटैलिटी लेके जाएंगे। ब्रूटैलिटी मीन्स नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन, मतलब वॉर गेम है। सोचो एक तरफ रैंडी ऑर्टन, दूसरी तरफ ड्रू मैकइंटायर, भाई ये सब कते स्टोरी खतरनाक होगी एंड मैचेस जो डिलीवर करेंगे ना ये वॉर गेम में आप सोच नहीं सकते। तो गाइस यहाँ से ये चीज़ बहुत मायने लगती है कि ड्रू मैकइंटायर ने ये ज्वाइन की एंड भाई सब उसके बाद ही ऑफ ईयर में कोडी रोड्स ने थैंक्स कहा सबको, अरीना में बैठे लोगों को एंड गाइस उन्होंने कहा कि अगर ड्रू मैकइंटायर ने जजमेंट डे ज्वाइन कर ली तो हमारे पास भी और फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं वॉर गेम में हमारी टीम को। एंड गाइस ये सीधा टीज है रैंडी ऑर्टन से, ये सीधा टीज रैंडी ऑर्टन की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि यार उन्होंने कहा था कि र्यूमर्स भी हैं कि रैंडी ऑर्टन पहले आने वाले हैं एंड गाइज वो इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट रॉ में अपना न्यू पार्टनर जो उनको ज्वाइन करेगा एट वॉर गेम मैच में, सेथ रॉलिंस इनकी टीम को ज्वाइन करेगा एंड गाइज इंट्रोडक्शन होगा ज़रूर एंड रैंडी ऑर्टन ही होंगे मुझे तो लग रहा है, सिंपल सी बात है रैंडी ऑर्टन ही होंगे ज्वाइन करेंगे। एंड गाइज दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक तरफ ड्रू मैकइंटायर जजमेंट डे ज्वाइन कर चुके हैं, हील टर्न कर चुके हैं एंड रियल प्ले के साथ हाथ मिला चुके हैं। तो ये थी अपडेट ऑफ ईयर एंड ड्रू मैकइंटायर से। तो हमारे गाइस नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल यार यूएसए चैंपियनशिप को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हैं। रिसेंटली वो एक शॉप पे गए, वहाँ उन्होंने फोटो भी पोस्ट की, अपनी पिक भी पोस्ट की, उन्होंने कहा कि ये चैंपियनशिप मैंने रे मिस्टीरियो से जीती है तो इसे यार ले लो, मतलब इसके कितना प्राइस दे सकते हो या क्या। उन्होंने ऐसे वीडियो बनाई है फन के तौर पे, टाइटल बेचेंगे तो नहीं, आपको पता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने चाहते हैं एंड गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए लोगन पॉल कुछ भी करेंगे एंड भाई साहब वो कहीं पर भी लेके जाएंगे इस टाइटल को क्योंकि उनकी चैंपियनशिप है। एंड गाइज उन्होंने कहा कि इसको बेच के कितने पैसे मिलेंगे, इन्होंने पूछा एक शॉप से, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं लूँगा पता नहीं ऐसे कोई, मतलब वीडियो से बनाई बहुत अच्छी तो वीडियो पैकेजिंग क्रिएट किया तो आपको पता है यार लोगन पॉल किस लेवल तक जा सकते हैं एंड भाई साहब यूनाइटेड स्टेट किस लेवल तक जाने वाले आप सोच नहीं सकते। तो ये अपडेट थी लोगन पॉल से। तो गाइस एक मैंने अपडेट कवर नहीं की थी जिसमें सुबह जाइली और बैकी लेज का एक सेगमेंट था जिसे मैं कवर करना भूल गया था। भाई साहब जाइली के करेक्टर को कैसा दिखा रहे हैं कि भाई वो किक लगा रही है और इंडी हार्डवेल नॉकआउट होगी, तो भाई उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनकी एक किक से बंदा नॉकआउट हो रहा है, जैसे एक टाइम पे ऑस्का को दिखा रहे थे उनकी एक किक होती थी जिससे बंदा नॉकआउट हो जाता था, वही करैक्टर लेके अब चल रहे हैं जैली के साथ एंड भाई साहब बैकी लेज के आते वो भागी एंड भाई साहब इनका मैच होगा एट WWE सर्वाइवर सीरीज, ये मैच कंफर्म है मान के चलो। तो भाई साहब बहुत खतरनाक स्टोरी होने वाली। तो गाइस कोडी रोड से एक और स्टोरी है, तो बहुत से र्यूमर्स आ रहे थे कि रॉक के होगी रसलमेनिया, ये होगा वो होगा, बट यार मुझे नहीं लगता रॉक का मैच होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी कुछ पता नहीं है, इन फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का किसी को कोई पता नहीं होता। और गाइज इसके प्रेडिक्शन में कोडी रोड्स ने एक बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने कहा इंटरव्यूअर को ये दिया कि कहता है कि रॉक ने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रैप की है, उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खींची है अपनी तरफ, तो उसी तरह से मैं अपॉर्चुनिटी अपनी खींच रहा हूँ, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी पहुँचूंगा, मेरी स्टोरी एंड होगी एंड मैं चैंपियनशिप बनूंगा, दैट इज़ अ रियलिटी, उन्होंने ये बात कही है। और गाइज ये कन्फर्म है कि कोडी रोड्स का मैच होगा रसलमेनिया में और उनको स्टोरी बिल्ट किया जा रहा है, उनको उस चीज़ के लिए बिल्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी हुई है गाइस वो जुड़ी हुई है शिंसके नाकामुरा। शिंसके नाकामुरा ने फिर एक टीज दिया सीएम पंक के बारे में, छोटा सा टीज दिया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मतलब एक सॉन्ग था सीएम पंक का उसका प्रिविलेज, मतलब बात है बोली एंड शिंसके नाकामुरा को दिखा भी रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं अच्छे से क्योंकि उनको सिंगल बिल्ड कर रहे हैं, उनकी कोई पता भी नहीं है क्या पता वो चैलेंज करते सर्वाइवर सीरीज में आगे, तो कुछ भी हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में, आप सोच ही नहीं सकते। रैंडी ऑर्टन कन्फर्म है, सीएम पंक का आना भी कन्फर्म ही समझो एंड जो जो कह रहे हैं ना कि AEW में एक मास्क मैन दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे डेविल वाला लुक दिखा रहे हैं, तो भाई साहब निक खान क्या इतना बेवकूफ़ होगा कि वो जिसे फायर करेगा उसे बाद में हायर करेगा, तो दिमाग लगा ले करो यार, ऐसे ना स्टोरी पर यकीन किया करो। तो गाइज ये स्टोरी है कि सीएम पंक आ रहे हैं, सीएम पंक टीज कर रहे हैं एंड गाइज WWE भी टीज कर रही है इस चीज़ के बारे में। तो गाइज ये अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।